बाद में दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोस्तों अगर आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं दोस्तों, तो आपको यहां पे जीरो बैलेंस मतलब कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं है अकाउंट में। उसके बाद आपको तुरंत का तुरंत वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। अगर आप चाहें बाद में फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, सारी फैसिलिटीज लगभग लगभग मिल जाती है। जो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिलता है उससे आप फोन पे, गूगल पे, जितने भी यूपीआई आईडी ऐप हैं उसमें आप रजिस्टर करके ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हैं दोस्तों। अपना पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर पैसा आप जमा भी करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट ब्याज भी मिलता है। अगर 1,00,000 रुपये आप अपने अकाउंट में मेंटेन करते हैं उस पर 7% का ब्याज आपको दोस्तों यहां पे मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जीरो बैलेंस वाला अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करना दोस्तों, गूगल क्रोम पे आ जाना है, या आपका मोबाइल है तो मोबाइल में जाना, डेस्कटॉप साइट पे जाना है, वहाँ से आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। या आपका डेस्कटॉप है तो सबसे बेहतरीन बात है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है equitasbank.com। जैसे equitasbank.com आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे equitas स्मॉल फाइनेंस बैंक। सिंपल से equitas स्मॉल फाइनेंस बैंक पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब आपको ये देख सकते हैं ऐड है तो आपको इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद देखेंगे आपको यहाँ मिलेगा ओपन सेल्फी अकाउंट यहाँ पर देखेंगे आप देखने को मिलेगा ओपन सेल्फी अकाउंट। सिंपल से ओपन सेल्फी अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे सेल्फी सेविंग पे क्लिक कर देना है। ये आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पर भी आप खुद ही देखेंगे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं नाउ ओपन योर अकाउंट इन 5 मिनट के अंदर आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे 7% इंटरेस्ट रेट, बैलेंस अबव 1,00,000 एंड अप टू 1 करोड़। अगर 1,00,000 से ऊपर है या अप टू 1 करोड़ से ऊपर बैलेंस रखते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर मिल जाता है। नो बैलेंस मिनिमम बैलेंस, यहाँ पे कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तब भी। वर्चुअल डेबिट कार्ड, यहाँ पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड तुरंत का तुरंत मिल जाता है, जिसकी मदद से आप तुरंत गूगल पे, फोन पे, काफ़ी में जितने भी यूपीआई ऐप हैं सब में आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद ओपन सेल्फी सेविंग पे आपको नहीं क्लिक करना। इजी टू ऑपरेट कर सकते हैं। इजी ऑपरेट करने में एक्टिवेट मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। अकाउंट इज रेडी टू यूज, उसके बाद अकाउंट रेडी कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिखा रहा है, फीचर्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसके वर्चुअल डेबिट कार्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन सेल्फी सेविंग पे क्लिक कर देना। जैसे ओपन सेल्फी सेविंग पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ओपन सेल्फी सेविंग, जैसे आप क्लिक करते हैं अब आपको क्या करना, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब आप यहाँ देखेंगे बैंक ऑन द गो विथ सेल्फी ओपन योर डिजिटल सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस अर्न कर सकते हैं 7% का ब्याज। यहाँ वर्चुअल फिजिकल डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है आपको, फिजिकल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यहाँ पे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी बना सकते हैं आप, अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप इसके लिए आपको क्या करना है, लेट्स एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना। जैसे आप लेट एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं सेल्फ अकाउंट क्रिएशन, यहाँ पे केवल 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। सेल्फ में आपको स्टेप 1 में बेसिक डिटेल डालनी, स्टेप 2 में कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी, स्टेप 3 में लोकेशन डिटेल डालनी है, स्टेप 4 में आईडी प्रूफ डाल देना है। चलिए हम यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में फुल नेम डालना एज पर आधार, जो आधार कार्ड पे आपका नंबर दे रखा है वही नंबर आपको यहाँ पे, वही नेम आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे आप वो नेम यहाँ पे डाल देते हैं ये, देन आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना। अब आपको देख सकते कॉन्टेक्ट डिटेल में ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना। आपको मोबाइल नंबर डालते वक्त ध्यान रखना है दोस्तों कि रजिस्टर्ड विद नंबर आधार, मतलब जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपको यहां पे डालना। चलिए उसके बाद आपको यहां पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे लोकेशन इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, सेलेक्ट स्टेट, आप कौन से स्टेट से, उत्तर प्रदेश हैं, सेलेक्ट कौन से उत्तर प्रदेश में, कहाँ से आप सेलेक्ट सिटी, यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी कर लेते हैं, सिटी भी उत्तर प्रदेश, ब्रांच कौन सी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, गाजियाबाद या लखनऊ, लखनऊ पे हम यहाँ पे कर लेंगे। देन आपको इसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप पे क्लिक
कर देना। जैसे नेक्स्ट वाले स्टेप पे क्लिक करते हैं, आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना, पैन कार्ड का आपको नंबर यहाँ पे डालना। अगर आपके पास वर्चुअल आईडी है तो आपको वर्चुअल आईडी यहाँ पे डालना, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना। पर हमारे पास आधार कार्ड का रियल नंबर है तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालेंगे, देन आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी, यहाँ पे आपको क्या करना है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद देन आपको जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपके आधार कार्ड से जो नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ओटीपी यहाँ पे आ गया है। अब आपको ओटीपी यहाँ पे डाल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे डियर कस्टमर यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द ओवर एक्टोस फैमिली, थैंक यू बैंकिंग विद अस, रिकमेंडेड योर फ्रेंड एंड सेल्फ फैमिली टू बी पार्ट ऑफ एक्टोस बैंक बाई ओपनिंग दियर सेल्फ अकाउंट इज 5 मिनट। ठीक, आपको यहाँ पे डन कर लेना, क्योंकि पहले से मैंने इसमें अकाउंट हमारा पहले से ओपन हो रखा, इसीलिए दोस्तों ये ओपन नहीं हो रहा। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे आपके सामने आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, कस्टमर आईडी आ जाएगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो है दोस्तों पहले से अकाउंट ओपन है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट रह जाता तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट रीड करता हूँ, सभी लोगों को रिप्लाई भी देता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, बाय बाय।